तो आज हम चैनल में जो यूरो 2020 का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा पोर्टुगल और जर्मनी के बीच। इस मुकाबले का करते हैं डिटेल एनालिसिस। तो पोर्टुगल और जर्मनी के बीच ये मैच जर्मनी में आज रात 9:30 PM पे खेला जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा मैच है, दो आप कह सकते हैं कि यूरोपियन हैवी वेट्स की बैटल है, और पोर्टुगल की रैंकिंग है 5th और जर्मनी की फीफा रैंकिंग है 12th। अब पोर्टुगल को इस सीजन वन ऑफ द फेवरेट्स देखा जा रहा है यूरो 2020 का फ्रांस और बेल्जियम के साथ, लेकिन जर्मनी इस सीजन क्लियर डार्क हॉर्स है। उसका रीज़न यह है कि जर्मनी जो है ये ट्रांजिशन फेज में है करेंटली, लेकिन जो पोर्टुगल है इनकी समझ लीजिए आप गोल्डन जनरेशन चल रही है, बहुत से अच्छे टैलेंट इनके निकल के आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए पोर्टुगल जर्मनी के बीच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होगा। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ये ग्रुप ऑफ डेथ का मैच है। अगर आप इनका ग्रुप देखेंगे तो इनके ग्रुप में पोर्टुगल, जर्मनी और फ्रांस, तीन बहुत बड़ी कंट्रीज़ एक ही ग्रुप में। इसके साथ 4th टीम है हंगरी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगी। तो पोर्टुगल अपना पहला मैच 3-0 कंफर्टेबल मार्जिन से हंगरी से जीत चुकी है, और अगर पोर्टुगल आज जर्मनी को हराती है तो ये क्लियरली नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाएगी, और अगर जर्मनी आज का मैच भी हार जाती है तो इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन इनको नेक्स्ट मैच एक वीक हंगरी साइड से ज़रूर मिलेगा, लेकिन फिर भी जर्मनी चाहेगी कि वो टॉप 2 में फिनिश करे, जिससे कि वो डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि अगर वो नंबर 3 में फिनिश करती है तो जो 6 ग्रुप है उसमें से कोई 4 बेस्ट नंबर 3 टीम ही क्वालिफाई कर पाएगी, तो थोड़ा सा टफ होगा। तो दोनों के लिए मस्ट विन मैच है, पोर्टुगल के लिए उतना भी नहीं है, अगर ड्रॉ भी करते हैं उनके लिए तब भी एक अच्छा रिजल्ट रहेगा, लेकिन उनका नेक्स्ट मैच फिर फ्रांस है। लेकिन जर्मनी के लिए मेरे अकॉर्डिंग विन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ड्रॉ रहेगा थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। तो बहुत बड़ा मैच है, बहुत एक्साइटिंग मैच है, जर्मनी के होम ग्राउंड में होगा, होम एडवांटेज ज़रूर होगा, लेकिन पोर्टुगल के अगेंस्ट उतना ईजी नहीं होने वाला। अगर हम रिसेंट रिजल्ट देखें, पोर्टुगल ने 3-0 से कम्फर्टेबली हंगरी को हराया। इसमें आप देखेंगे 85th मिनट तक पोर्टुगल, 84th मिनट तक गोललेस ड्रॉ लग रहा था, ये मैच 0-0 पे था, लेकिन लास्ट 10 मिनट में क्या ड्रामेटिक चेंज हुआ था, और बेहतरीन परफॉर्मेंस पोर्टुगल का रहा था। राफेल गुरेरो का गोल आया, उसके बाद 2 रोनाल्डो के गोल आए, और क्लियरली विक्ट्री पोर्टुगल की हो गई। पोजेशन पोर्टुगल ने डोमिनेट की थी, हालांकि मुझे क्रिएटिविटी में थोड़ा सा लैग जरूर हो रहा था, फिर भी आप देखेंगे शॉट्स चांसेस क्रिएट अच्छे थे, बिग चांसेस अच्छे थे। जर्मनी ने फ्रांस से खेला और बहुत बड़ा मैच था, 1-0 फ्रांस ने इनको हराया। एक ओन गोल मारा था मैट हुमल्स ने। ओवरऑल फ्रांस काउंटर अटैक में खेली थी, जर्मनी ने पोजेशन डोमिनेट करी थी। आज भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल सकता है, जर्मनी पोजीशन डोमिनेट करके फ्रांस काउंटर अटैक में खेल सकती है। और इसके अलावा अच्छा गेम जर्मनी का रहा था, चांसेस वगैरह अच्छे क्रिएट किए थे, शॉट्स अच्छे किए थे, लेकिन इनके डिफेंस थोड़े से वीक लगे थे। जब पेसी प्लेयर्स उनके पास आ रहे थे, खासतौर पर एम्बापे जैसे प्लेयर्स, उनको रोकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हो रही थी। ऐसा ही कुछ आज भी हो सकता है, जब पोर्टुगल के अटैकर उन पर अटैक करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जर्मनी को फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन वो सब वक्त श्योरली इनके मैनेजर आएंगे आज के मैच में, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। अब हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं प्रोबेबल लाइनअप की। उससे पहले कहना चाहूँगा इस मैच की 8 ग्रैंड लीग और 1 फाइनल SL टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी लाइनअप आने के बाद, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप टेलीग्राम में @FantasySportsSpy सर्च मारेंगे, 2.7K के आसपास सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिलेगा, यहां से आपको जुड़ जाना है। लाइनअप आने के बाद इस मैच की 8 ग्रैंड लीग और 1 फाइनल SL टीम में यही पोस्ट करने वाला, और एक चीज कह रहा हूं, इस मैच में स्मॉल लीग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग होगी, क्योंकि स्मॉल लीग में काफी हैवी क्रेडिट प्रॉब्लम हमें होगी, लेकिन GL में हम अच्छे कॉम्बिनेशन बना के अच्छा विन कर सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल के साथ 8 ग्रैंड लीग और 1 फाइनल SL टीम के लिए। प्रोबेबल लाइनअप पे आते हैं, पहले जर्मनी की बात करते हैं। मैनुअल नॉयर इनके गोलकीपर है, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट शॉट स्टॉपर। फिलहाल के लिए गोलकीपिंग सिलेक्शन 50-50 है, तो इसको अभी मैं लीव कर रहा हूँ। 3 इन द बैक फॉर्मेशन में गिंटर, हमल्स और रूडीगर मोस्ट प्रोबेबली इनके 3 सेंटर बैक होंगे। इन तीनों में किसी के साथ जाना है, मेरी नंबर 1 चॉइस हमल्स रहेंगे। हालांकि लास्ट मैच में ओन गोल जरूर आया, लेकिन ओवरऑल हमल्स की हेडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, सिलेक्शन भी हाई है और पासिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा देंगे। इसके अलावा नंबर 2 चूज़ करना है मे बी रूडीगर, देन गिंटर। हाँ, मैं एक प्लेयर भूल गया, गोसेंस, ये मेरी हमल से भी पहले चॉइस रहेंगे, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। लेफ्ट विंग बैक हैं, लेकिन ये एज अ लेफ्ट विंगर ही खेलते हैं, डिफेंसिव वर्क ठीक ठाक करते हैं, लेकिन ऑफेंसिवली बहुत अच्छे प्लेयर है। लेफ्ट साइड से डी में घुस के कभी भी रेंडम गोल असिस्ट कर सकते हैं और क्रॉसेस काफ़ी ज़्यादा दागते हैं। तो गोसेंस, देन हमल्स, फिर आप चाहे रूडीगर और गंटर में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। थर्ड चॉइस मेरी रूडीगर रहेंगे, देन गिंटर। अब क्रूस और गुंडगॉन इनके 2 सेंट्रल मिडफील्डर होंगे। क्रूस तो आप सभी जानते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट मिडफील्डर है, एक ऐसा प्लेयर है जो फैंटेसी में हर मैच में लगभग 20 से 25 पॉइंट आपको देगा ही देगा, अपनी पासिंग से, चांसेस क्रिएट से, टैकलिंग थोड़े बहुत करते हैं और सारे कॉर्नर किक, सारी फ्री किक यही लेंगे किमिक के साथ। तो क्रूस बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट पिक प्लेयर रहने वाला है।
20-25 पॉइंट मिनिमम इनसे एक्सपेक्ट कीजिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। गुंडोगन पिछला मैच ऑफ रहा था, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के लिए क्या बेहतरीन सीजन गया, बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, गोल असिस्ट कर सकते हैं, अटैकिंग मिडफील्ड में यहाँ पे खेलेंगे और पासिंग के पॉइंट देंगे, टैकलिंग इंटरसेप्शन के पॉइंट देंगे। तो क्रूस देन गुंडोगन मेरी पिक रहेंगे, नंबर वन पिक क्रूस रहेंगे। हाँ, किमिक मैं कहना चाहूँगा राइट विंग बैक पोजीशन में खेल रहे हैं, ये इनकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। करियर अपना जरूर इस पोजीशन से स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये बायर्न म्यूनिख में सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर बन गए। लेकिन आपने एक चीज़ गौर करी होगी, लास्ट मैच में इन्होंने उतने पॉइंट नहीं दिए जितने किमिच जनरली बायर्न म्यूनिख के मैचेस में देते हैं, 25 30 35 पिछले मैच में, क्योंकि यहाँ पे इस पोजीशन में इनको प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ी थी। इस मैच में भी फिलहाल राइट विंग बैक पोजीशन में खेलेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग इनकी ओनरशिप जरूर घट जाएगी और घटी भी है, सिलेक्शन इनका कम जरूर हो गया। फिर भी अगर मैं लाइनअप देखूंगा उसके बाद जज करूंगा, अगर ये सेंट्रल डिफेंसिव रोल में हुए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 100% पिक करूंगा। अगर राइट बैक में ही खेलते हैं तो मे भी 50-50 कॉल रहेगा, लेकिन फिर भी किमिक एक ऐसे प्लेयर है जो आपको ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों जगह से पॉइंट देने वाले हैं। अब थॉमस प्लेयर मुलर एक की प्लेयर है इस टीम के लिए, आप सभी जानते होंगे क्या बेहतरीन सीजन गया इनका बायर्न म्यूनिख के लिए, गोल्स असिस्ट बहुत ज़्यादा किए, पिछला मैच ठीक ठाक गया, उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन ओवरऑल सबसे बेहतरीन प्लेयर जो गोल स्कोरिंग वाइज जर्मनी के लिए रहेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में वो थॉमस मुलर ही है। कभी भी गोल असिस्ट कर सकता है, फॉल्स नाइन रोल में खेलेगा और शोल्ली काफ़ी चांसेस वगैरह क्रिएट भी करते हैं, और आज दिन हुआ तो शोल्ली मुलर का गोल आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है सीनियर प्लेयर है, पेनल्टी भी इनमें या क्रूस में, इवन अल्काय गुंडोगन भी डिसेंट ऑप्शन है, मे भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ मुलर ही पेनल्टी टेकर भी हो सकते हैं, तो मुलर को हम शोल्ली मिस नहीं कर सकते। अब हावर्ट्स पिछले मैच में खेले थे, इस मैच में रूमर सारे साने खेलेंगे, जो भी खेलेगा दोनों 50-50 कॉल है, क्योंकि पोर्टुगल के अगेंस्ट उतना इजी होगा नहीं गोल असिस्ट करना, तो फिलहाल इनका जो डिसीजन होगा वो टेलीग्राम में ही मिलेगा। अब गनेबरी के प्लेस में वर्नल खेल सकते हैं, पिछले मैच में आपको याद होगा गनेबरी आइसोलेट हो गए थे, अकेले कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी चांसेस मिले थे इनके पास, हो सकता है इस मैच में वर्नर को मौका मिल जाए, ठीक ठाक सीजन गया चेल्सी के लिए, तो गनेबरी वर्नर जो भी खेलता है फिलहाल, ये भी एक 50-50 कॉल होगा, इसका डिसीजन भी मैं टेलीग्राम में लूँगा, लेकिन जीएल के लिए ये प्लेयर्स बहुत बड़ी पिक होने वाले हैं। अब कुछ रूमर्स आ रहे हैं गोरेस्का स्टार्ट करेंगे गुंडोगन के प्लेस में, गोरेस्का स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है, सेंट्रल मिडफील्ड में रैंडम गोल असिस्ट भी करते हैं और ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों पॉइंट देते हैं, हो सकता है मैं गुंडोगन से पहले अगर गोरेस्का स्टार्ट करे, मे बी क्रूस के साथ गोरेस्का को मैं पिक कर सकता हूँ किमिक से पहले। तो फिलहाल ये जर्मनी की प्रोबेबल 11 है, बहुत अनसर्टेनिटी है लाइनअप में, बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड है, तो जो भी होगा टेलीग्राम में अपडेट हो जाएगा। अब ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स सभी सीनेरियोज मैंने एक्सप्लेन कर दिए, अपोनेंट की बात करने से पहले एक बार फिर रिमाइंड दिला रहा हूँ, टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया तो काफ़ी कुछ आप मिस कर रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम में @fantasysportsspy सर्च मारेंगे, 2.7K से ज़्यादा सब्स वाला चैनल आपको मिलेगा, यहाँ से आपको जुड़ जाना है। इस मैच की 8 ग्रैंड लीग और एक फाइनल SL टीम में यही पोस्ट करने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं पोर्टुगल की, पैट्रिसियो इनके गोलकीपर, 50-50 कॉल है, गोलकीपिंग में कोई भी गोलकीपर के साथ जा सकता हूँ, दोनों में 50-50 कॉल है, तो अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जीएल के लिए एक अच्छी पिक होंगे। 4 इनके डिफेंडर है, समेडो, गुरेरो, पेपे और डियास, पिछले मैच में गुरेरो का गोल आया था लेफ्ट बैक पोजीशन से, इनको भी आप एज अ गोसेंस की तरह ही मानिए, लेफ्ट विंगर की तरह खेलते हैं जब अटैक करते हैं तो, और डिफेंसिव पॉइंट भी देंगे, तो गुरेरो नंबर वन पिक रहेंगे। नंबर टू पिक मेरी डियास रहेंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है करेंटली वर्ल्ड के, क्या सीजन गया इनका मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर ऑफ द ईयर रहे, बहुत अच्छी डिफेंडिंग करते हैं, पासिंग पॉइंट देंगे, क्लीन शीट होने में उसके पॉइंट देंगे, टैकलिंग इंटरसेप्शन पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे डियास मेरी नंबर टू पिक रहेंगे, मे बी पेपे मेरी नंबर थ्री पिक रहे, हालांकि ये जरूर हो गया, लेकिन पेपे ओवरऑल बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और हेडिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, तो फोर्थ पिक मेरी समेडो, थर्ड पिक मेरी पेपे रहने वाले हैं, हालांकि हो सकता है मैं इनका सिर्फ एक या दो ही डिफेंडर पिक करूँ, देन मैं गुरेरो या डियास के साथ जा सकता हूँ। करवालियो और डेनिलो परेरा दो डिफेंसिव मिडफील्डर यानी कि डबल पिवट रोल में खेलेंगे, दोनों को स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूंगा, दोनों डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर हैं, उतना अटैक नहीं करते, तो फिलहाल के लिए दोनों जीएल पिक है। अब ब्रूनो फर्नांडिस आप सभी जानते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर ऑफ द सीजन, बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करते हैं, ओपन प्ले से गोल असिस्ट करने में केपेबल है, तो श्योरली ब्रूनो फर्नांडिस में यहाँ पे 100% पिक करूंगा। अगर आपको लगता है एक लो स्कोरिंग पोर्टुगल विन होगी तो एक बहुत अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, और पोर्टुगल फेवर जीएल टीम में आप इनको श्योरली कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड मेसी के साथ, तो ये द सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन होंगे इस मैच में, पिछले मैच में क्या 5 मिनट के अंदर 2 गोल मार के मैच चेंज कर दिया था, इनसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए कैप्टनसी के लिए कोई हो ही नहीं सकता, तो रोनाल्डो मस्ट पिक, ब्रूनो मस्ट पिक। बर्नार्डो सिल्वा का पिछला मैच अच्छा नहीं गया, कुछ रूमर्स आ रहे हैं राफा सिल्वा, जिन्होंने एज अ सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा इंपैक्ट डाला पिछले मैच में, वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को फिर भी लग रहा है बर्नार्डो सिल्वा स्टार्ट करेंगे, एक मैच खराब गया, लेकिन ओवरऑल ये जब भी खेलते हैं पोर्टुगल से ये मैनचेस्टर सिटी में जैसा करते हैं उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करके देते हैं, रैंडम गोल असिस्ट करने में केपेबल है, रन्स बनाएंगे विंगर पोजीशन से ये और जोता, और काफ़ी चांसेस वगैरह क्रिएट भी कर सकते हैं, तो बर्नार्डो सिल्वा
एक डिसेंट चॉइस हो सकता है। यही सीन मैं जोता के लिए कहूँगा। जोता लेकिन मुझे बहुत हिट एंड मिस टाइप के लगते हैं पोर्टुगल में। दिन हुआ 2 गोल करेंगे, दिन नहीं हुआ रैंडम सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो फिलहाल बर्नार्डो सिल्वा जोटा में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन जीएल के लिए दोनों बहुत अच्छी पिक रहने वाले हैं। अब अदर प्लेयर हुकन स्टार्ट में राफा सिल्वा के बारे में मैंने बता दिया। मे बी रेनातो सैंचेज स्टार्ट कर सकता है मिडफील्ड में, हो सकता है करवालियो के प्लेस में, एक अच्छे बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है, हो सकता है आपके लिए एक पॉइंट पिक टाइप का प्लेयर ये हो जाए, डायरेक्ट सजेस्ट नहीं करूंगा। तो क्रिस्टियानो ब्रूनो मस्ट पिक रहेंगे। जोटा बर्नार्डो सिल्वा में से किसी एक को आप स्मॉल लीग टीम में पिक कर सकते हैं। जीएल में मैं सजेस्ट करूंगा इन दोनों पर ट्राई कीजिए। और ये ओवरऑल मैंने पोर्टुगल के हर एक प्लेयर हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। प्रिडिक्शन में आते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर दोनों टीम को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो मेरी प्रिडिक्शन 1-1 ड्रॉ है, लेकिन ये 1-0 आइदर साइड भी हो सकता है, यानी कि 1-0 पोर्टुगल या 1-0 जर्मनी भी ये रिजल्ट हो सकता है। ग्रैंड लीग में लेकिन हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे गोलडस ड्रॉ, 2-2 ड्रॉ, 1-0 आइदर साइड, ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशन के 8 ग्रैंड लीग टीम हम जरूर बनाने वाले हैं। अब एक फिलहाल के लिए मैंने एक डेमो रफ टीम बनाई है। गोलकीपर मैंने मैनुअल नॉयर जर्मनी के लिए, यहाँ पे आप पेट्रिसियो ले सकते हैं। दो मेन डिफेंडर्स मैंने दोनों साइड से ले लिए, डियास और गुरेरो, हमल्स और गोसेंस। अब हमल्स के प्लेस में रूडीगर पिक कर सकते हैं। क्रूस मुलर किमिक फिलहाल मैंने पिक किया, हो सकता है क्रेडिट बसता है आपका, तो किमिक के प्लेस में आप गुंडगोन या गोरेस्का स्टार्ट करते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस के साथ फिलहाल के लिए मैंने बर्नार्डो सिल्वा पिक किए हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो हैं ही। आप बर्नार्डो सिल्वा वाले प्लेस में डियागो जोता को पिक कर सकते हैं। इस टीम में मेरा श्योरली कैप्टन स्मॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेगा। वाइस कैप्टनसी में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, क्रूस है, मुलर है, ब्रूनो फर्नांडिस है, थोड़े से रिस्क टेकर है, मे बी आप गोसेंस को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरी डेमो टीम है। अब इसमें वर्नर, हावर्ट्स, गनेवरी, साने जैसे प्लेयर नहीं है, हो सकता है मेरी फाइनल एसएल टीम में वो हो। तो फाइनल एसएल अपडेटेड टीम के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, जहाँ इस मैच की 8 ग्रैंड लीग के साथ एक एसएल टीम पोस्ट करने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए।